हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। मैं अली है, चैनल के माध्यम से मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूं, जिसका हमने नाम रखा है मिशन सीटेट। देखिए, इससे पिछली वीडियोस जितनी हमने अपलोड की हैं सीटेट से रिगार्डिंग, उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और स्पेशली इंग्लिश और साइकोलॉजी का पढ़ा है। साइकोलॉजी में हमारे आप वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको लर्निंग अधिगम पढ़ाया है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा पढ़ाई है, ईएल थॉर्नडाइक पढ़ाए हैं आपको कंप्लीट। यानी साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका हम वन बाय वन वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसी सिक्वेंस में जो आज की हमारी वीडियो है, पहली वीडियो हमारी ईएल थॉर्नडाइक की थी, आज की जो वीडियो है दोस्तों वह है जीन पियाजे की। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और जिन वीडियोस को लाइक और शेयर करें। उसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन, आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम आपके थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं। और आशा करते हैं कि आप हम लोग आपसे हमें जो है इसी तरह का फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहेगा और उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और हमने देखी, जैसा कि फैकल्टी का नोटिफिकेशन निकाला था तो उसमें हमारी फैकल्टी ऑलमोस्ट हायर हो चुकी है, बट थोड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है लॉकडाउन के कारण। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो आपको बेस्ट फैकल्टी इस चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू होगी, आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक से एक अच्छी वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। बिकॉज़ अभी हमारा जो मैंने आपसे कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन के कारण, तो बहुत कुछ आपको मिलेगा इस चैनल पर। आप सब अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को लाइक और वॉच करें। और मैथ्स और रीजनिंग की क्लास रेगुलर हमारे चैनल पर हो रही है और हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट की फैकल्टी आपको मिलेगी। लॉकडाउन के कारण टीचर्स आने में असमर्थ हैं, पॉसिबिलिटी उनके सामने है कुछ कि वो नहीं आ सकते। चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो आज का मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है जीन पियाजे। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। देखिए, इनके बारे में ये कहा जाता है जीन पियाजे के कि इन्होंने मनोविज्ञान की कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि मनोविज्ञान की कोई किताब इन्होंने नहीं पढ़ी। कुछ किताबें ये कहती हैं, जबकि एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बने हैं। और इनका जो फील्ड था दोस्तों, कुछ किताबों में ये मिलता कि ये बायोलॉजी के थे। ठीक है, बायोलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञानी थे, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों वो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में है। जो इनका फील्ड रहा है जिसमें इनका अधिकतम कंट्रीब्यूशन है वो है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैं आपको बताऊं कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। इसमें एक वर्ड है दोस्तों, संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है जानकारी होना, किसी बात का पता होना, संज्ञान होना, कॉग्निशन कहते हैं उसको। तो कॉग्निशन जो है उसके बारे में जो अधिकतम बात की है वो जीन पियाजे ने की है, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। देखिए, बहुत क्वेश्चन आता है जीन पियाजे से, आता क्या है वो समझना है आपको। इधर आधर की बात हम करते नहीं हैं, काम की बात करेंगे। काम की बात यह है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, या संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई हैं। मैं सिंपली ये कहूँ आपसे, उसके चार चरण बताए हैं संज्ञानात्मक विकास के बच्चे में जो है संज्ञानात्मक विकास वो चार चरणों में होता है। उसकी अवस्थाएँ हैं, पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से दो वर्ष तक, यानी बच्चा पैदा होने से दो वर्ष तक का जब होता है तो उसके अंदर जो ज्ञान आता है, जो संज्ञान आता है वो संवेद से आता है। ठीक है, अब आप सब जानते ही हैं संवेदी प्रेरक क्या हो गया, कि बच्चा महसूस करता है कुछ चीज़ों को, फील करता है। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है आपकी 2 से 7 वर्ष की। क्वेश्चन कुछ डिटेल्ड नहीं पूछेगा आपसे, ओनली इतना पूछेगा कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसकी अवधि क्या होती है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है। वो होता है 2 से 7 वर्ष। आपको जो याद रखने वो टाइम याद रखना है। घुमाकर पूछ लेगा कि 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। डिटेल पढ़ाएं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, वो हम भी नहीं चाहते। जो आता है उसको पढ़ें। आता क्या है? आता ये है कि भैया 7 से 11 वर्ष की अवस्था को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया है, तो उसको नाम दिया है मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त या स्थूल कहते हैं ठोस को, सॉलिड को, अर्थात बच्चा किसी चीज के बारे में जब अच्छे से चिंतन करने लगता है तो उसको कहते हैं मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। तो चार अवस्थाएं हैं दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आपने कुछ नहीं करना, आपको अवस्थाओं के नाम और उनका समय याद रखना है कि कौन सी अवस्था जो है वो किस समय से लेकर किस समय तक है। ठीक है,
तो पता ये चला कि जीन पियाजे ने, मैं अपनी बात को शॉर्ट में ये कहूँ कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चार स्टेजेस बताए हैं, चार चरण बताए हैं, उनका समय बताया है कि कब से कब तक कौन सी अवस्था होती है। इससे भी जीन पियाजे के दो कथन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला कथन है कि सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, अर्थात जीन पियाजे का कहना ये था कि जो बच्चा अधिगम कर रहा है, जो सीख रहा है, उसका मतलब ज्ञान निर्माण हो रहा है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन है, ज्ञान का निर्माण हो रहा है सीखने का मतलब। दूसरा जो कई बार पूछा गया है वो है कि बच्चों का जो चिंतन है, और बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस पर जो है ऑब्जर्वेशन करें, कंसीडर करें कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा के बजाय प्रकार में भिन्न होता है। सिंपली आप ये समझ लें कि जो बच्चा सोच रहा है और जो एक वयस्क सोच रहा है, उसने किया जीन पियाजे ने कि जो बच्चों का सोचना है वो वयस्कों से मात्रा के बजाय प्रकार में भिन्न होगा। सोचेंगे दोनों बराबर, बच्चा भी बराबर सोचेगा, वयस्क भी बराबर सोचेगा, लेकिन प्रकार में भिन्न होगा, मात्रा सेम होगी, अर्थात समान सोचेंगे लेकिन सोचने का जो ढंग है, जो मेथड है और जो टाइप है वो अलग अलग होगा। मैं आपने बस इतना ही है इस वीडियो में हमारे साथ, जीन पियाजे से कोई इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आया टेट और सी टेट में जो आज तक का रिकॉर्ड है। एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शन हो सकता है, मैं ये क्लेम नहीं करता आपसे कि ऐसा ही होगा, बट ये है कि जीन पियाजे का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।